हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 2.5% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में नोट की गई है। 60 रुपए का स्टॉक था अभी एक दो दिन पहले, एंड वहां से फिर से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। एक महीने में 10% से ज्यादा गिरावट है इस स्टॉक में। तो इसके बाद करना क्या है, 10% की गिरावट है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 10% की गिरावट के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेच के निकल जाएं, स्टे करें, क्या हुआ आगे की स्ट्रेटजी, यहाँ पर एवरेजिंग करना कैसा रहेगा हमारा, फ्रेश बाइंग करनी है अगर किसी को तो क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है या नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की करें तो सबसे पहले बात करते हैं गिरावट हो क्यों रही है स्टॉक में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए कि अगर स्टॉक को देखोगे आप तो काफी अच्छे लेवल्स अटेन करना स्टार्ट किया था, 68-69 तक गया था, वहां से 10% की गिरावट एक महीने में नोट की गई है। अब अगर मेन रीजंस की बात करें, देखिए बड़ी खबरें थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड, यहाँ पर असम राइफल्स के साथ इनका बहुत बड़ा एमओयू भी साइन हुआ था, उसके बाद बड़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर होने की संभावना थी, बट वो हुई नहीं, वो गिरावट के बाद दोबारा तब्दील हो गई है। उसके पीछे के रीजन जो साफ तौर पर देखने को मिलते हैं वो इस समय पर यही है कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट है, और मार्केट में अगर गिरावट होगी तो उसका सीधा असर, मैंने पहले भी बोला था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर पड़ेगा। एंड हाँ यार, एक और चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं मुंबई में, तो कल इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई थी। कल हुआ क्या कि ऑफिस में सभी लोगों का कोविड चेकअप था, तो उसकी वजह से फिर सभी लोग ऑफिस वगैरह क्लोज करके और डॉक्टर्स के साथ ही थे, तो उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। बट अभी सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, तो अभी वीडियोस में इंटरप्शन नहीं होगा, डेली वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज सॉरी फॉर यस्टरडे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो देखो यार गिरावट का सबसे पहला कारण है जैसे मैंने बताया कि कोविड केसेस, अगर आप दिल्ली में हो या कहीं और हो, आप किसी और स्टेट में हो, तो आपको शायद इतना फर्क ना पड़ता हो कोविड की वजह से, पर जो लोग कोविड अफेक्टेड एरियाज में है उन्हें पता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर कोविड का जो असर है वो आप दूसरे स्टेट में हो तो आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा, बट उसका असर साफ तौर पर जो अफेक्टेड एरियाज है वहां के लोगों को पूछोगे तो पता लगेगा कि कोविड के केसेस कितने ज्यादा तेजी से और कितने ज्यादा ग्राउंड पर काम खराब हो चुका है इस समय पर, ठीक है। वो एक असर है हमारा मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गिरावट है। दूसरे अगर बड़े रीजन की बात करें तो आप देखिए कि दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, और वो तेजी का जो बड़ा कारण है वो यही है कि आप देखोगे तो यहाँ पर ओपेक जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस में ओपेक ने मना कर दिया है कि हम यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन जो है वो एक और महीना इसी तरह से कम रखेंगे। आप देखिए ओपेक प्लस विल लाइकली डिसाइड टू कीप ऑयल प्रोडक्शन एसेंशियली स्टेडी फॉर अनदर मंथ, तो अगर एक और महीना यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन कम रखा जाएगा तो लगातार डिमांड तो बढ़ ही रही है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पर डिमांड शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी। और वही एक चीज यहाँ पर देखने को मिल भी रही है, प्राइसेस में तेजी आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो वह है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड में लगातार तेजी है, आप देख सकते हैं कि 1.8% से ज्यादा की तेजी वहां पर देखने को मिली थी लास्ट वीक में 1.8% से ज्यादा की तेजी है, जो कि अपने सालाना हाई पर है इस समय पर, और उसकी वजह से देखिए ये साइकिल हो जाती है, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो लोगों को लगेगा इक्विटी बाजार में डर का माहौल है, गिरावट और ज्यादा होगी, और जब भी ऐसे सोचने को मिलेगा तो वहां से इक्विटी बाजार में बिकवाली होगी, और बिकवाली होगी तो फिर वो बॉन्ड्स मार्केट में जाएंगे, बॉन्ड यील्ड और तेजी से बढ़ेगा और ये साइकिल तेजी से चलता रहेगा। इसको मैनेज करने के लिए ही जो एक कॉल मेरी भी रहेगी और मैं आपको साफ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा करना क्या है, उसकी बात करेंगे तो तीन बड़े कारण है जिसकी वजह से सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही नहीं किसी भी और स्टॉक में गिरावट है। जो भी बड़े स्टॉक्स हैं आप चाहे किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो वहां पर साफ तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है इस समय पर। सेंसेक्स में 1.5%, निफ्टी में 1.5%, निफ्टी डेक्स 50 में 2.5% के आसपास गिरावट थी, इंट्राडे में 2.2% की अभी भी गिरावट है, 2.15% निफ्टी मिड कैप में गिरावट है, ओवरऑल मार्केट में बहुत भारी भरकम गिरावट है। आप देखिए कि निफ्टी में भी भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक अपने 3 महीने के लो पर है इस समय पर, 3 महीने में लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर कोई और भी स्टॉक होगा तो गिरावट होनी संभव है, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया इस समय पर, तो मार्केट को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। मार्केट को कॉन्फिडेंस जैसे ही लौट कर आएगा वैसे ही ना सिर्फ मार्केट में रिकवरी आएगी, साथ ही साथ आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आपको करना क्या है उसकी बात करते हैं। अगर हम चार्ट पर लेकर चले आपको दोबारा से इंट्राडे के, देखिए चार्ट हमें बहुत ही वीक दिखाई देता है, चाहे आप ये चार्ट देख लो चाहे आप कैंडलस्टिक चार्ट देखोगे यहाँ पर भी बहुत वीकनेस था।
तो ये जो वीकनेस है वो साफ तौर पर आपकी जेब पर, आपके डीमैट अकाउंट पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो चार्ट एक तो हमारा बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, और यही एक रीजन है कि मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड की वजह से IDFC फर्स्ट बैंक में भी लगातार डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अब ये तो बात हो गई कि यार डाउन ट्रेंड बना हुआ, ठीक है, रीजंस हो गए हमारे, ठीक है, सभी को पता चल गए रीजंस, अब करना क्या है। तो एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि देखो, एक महीने में 10% की गिरावट है, ठीक है। मार्केट में लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा, मार्केट में गिरावट हुई, मार्केट में गिरावट हुई तो जिन लोगों ने लॉस में बेच दिया, और अभी भी बहुत सारे लोग लॉस में बेचना सोच रहे हैं, और अगर आप बेच देते हो तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा, वैक्सीन नहीं थी, नया वायरस आया था, कोरोना वायरस, उसका डर था, उसके बावजूद बहुत लोगों ने लॉस में बेचा। जैसे लॉकडाउन खुला, मार्केट ने रिकवरी दिखाई, और देखिए कितनी भारी भरकम रिकवरी मार्केट में आई है। सेंसेक्स ने 50,000 टच किया हिस्टोरिकल मार्क, तो वैसे ही रिकवरी की दोबारा से उम्मीद है यहाँ पर। अब तो हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, तो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है इस समय पर, तो यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी दोबारा से आएगी, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। आप देखिए कि IDFC फर्स्ट बैंक में सिर्फ 10% की गिरावट है यहाँ पर, 3 महीने में 60%, 6 महीने में 111%, और 1 साल में 200% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर इतना रिटर्न आप कमा चुके हो, और अगर आपने सिर्फ 1 महीने में निवेश किया, 10% लॉस में हो, तो आप पुराना निवेश हिस्टोरिकल इसका जो एक पोटेंशियल है वो भी देख करके रुकना पड़ता है, आपको रुक सकते हो यहाँ पर, ये भी एक अच्छी खबर है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना कारगर है, तो FII DRI का डेटा देखिए आप। अभी जब मार्केट तेजी में था, मार्केट लगातार हाइज बना रहा था, उस समय पर FII जो थे वो खरीदारी कर रहे थे, DII जो थे वो बिकवाली कर रहे थे। अब यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में प्राइसेस डाउन पे मिल रहे हैं, स्टॉक्स डाउन पे मिल रहे हैं, तो DII देखिए कितनी तेजी से खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। यही एक चीज आपको भी करनी है, खरीदारी नहीं कर सकते हो अगर आप, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर तेजी से होल्ड करके चलिए, जो भी स्टॉक्स आपके पास है उसे होल्ड करके चलिए, आप बढ़िया प्रॉफिट इसमें आने वाले समय में कमाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक में 50 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए, 23% से ज्यादा की डिलीवरी है, 11 मिलियन के आसपास की डिलीवरी यहां पर हुई है, तो डिलीवरी परसेंटेज बढ़िया है, यहां पर माल उठाया जा रहा है, और अगर माल उठाया जा रहा है तो साफ तौर पर जल्दी रिकवरी भी आएगी, और तेज रिकवरी आएगी, बढ़िया रिकवरी, और ज्यादा हाइज लगेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बट यू हैव टू वेट, होल्ड करके चलिए स्टॉक को, बढ़िया प्रॉफिट आपका इसमें बनेगा। मेरी सलाह यही रहेगी, इस समय पर कोई सपोर्ट जोन यहाँ पर नहीं है, जिस तरह से मार्केट में गिरावट है आप कोई सपोर्ट जोन लेकर नहीं चल सकते, बट हाँ 52-53 का जो इसका प्रीवियस मार्क था वहां तक मुझे लगता है कि ये एक लेवल, 54 का जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत स्ट्रांग है, इसके नीचे स्टॉक हमारा नहीं जाएगा। मार्केट की रिकवरी को भी आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, मार्केट में जितनी अच्छी रिकवरी हो, जितनी जल्दी रिकवरी आएगी उतना अच्छे से हमारा स्टॉक और उतनी तेजी से स्टॉक हमारा बढ़ेगा। तो होल्ड के रहने की सलाह मेरी रहेगी, यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। नीचे कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।